सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस वाईफाई कैमरे का। दोस्तों हमने तरह तरह के आपको रिव्यू करके दिखाए अपने चैनल पे, जैसे कि ऑल्ट की स्मार्ट वॉच का रिव्यू हमने करके दिखाया आपको, बेइंग स्केल का हमने रिव्यू किया, स्मॉलर टॉर्च का हमने रिव्यू किया, हमने नॉइज़ की कलर फिट आइकन बस का रिव्यू करके बताया, हमने टेबल का रिव्यू किया, हमने एलईडीज का रिव्यू किया, हमने 8.5 इंच डिस्प्ले का रिव्यू किया, हमने नए नए कैमराज के बारे में आपको बताया, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं CP+ के E24A मॉडल नाम के इस वाईफाई कैमरे के बारे में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार कैमरा है ये, मैं आपको इसे ऑन करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले कर देते हैं हॉटस्पॉट ऑन ताकि ये कनेक्ट हो जाए। हमने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और ये कनेक्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों तो इसका ऐप खोल लेते हैं, ये ऑनलाइन बटन पर हम टच करेंगे ताकि सारे फंक्शन इसके हमें अपने मोबाइल पर मिल जाएँ। और ये देखिए आप मेरा फुटेज देख सकते हैं, इसमें अब मेरा फुटेज आ चुका है। चलिए इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ये देखिए फुल स्क्रीन आ गया। वीडियो क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और ये देखिए इस नेविगेशन बटन से हम इसे नेविगेट भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, राइट और लेफ्ट हम इसे कर सकते हैं और अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। ये देखिए आप दोनों चीज़ें देखिए, आप कैमरे का हेड देखिए और फुटेज देखिए, दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए मैं जैसे ही टच कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों कोई भी इसमें लैग नहीं मिल रहा हमें देखने को, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें मिल जाता है इस CP+ कैमरे के साथ में। ये देखिए अब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये देखिए फुटेज भी मूव हो रहा है और इसका जो हेड है कैमरे का वो भी मूव हो रहा है। आप दोनों चीज़ें साथ में देखिए, और भी इसमें बहुत सारे फीचर आते हैं दोस्तों जो कि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। ये देखिए अप एंड डाउन भी ये इसकी आई हो जाती है, आप इसकी आई को देख सकते हैं ऊपर नीचे हो रही है और साथ में फुटेज भी ऊपर नीचे हो रहा है। दोस्तों यही इस कैमरे की क्वालिटी है। दोस्तों चलिए एक्सप्लोर करते हैं और फंक्शन हमें क्या मिल जाते हैं इसमें, इससे हम इसमें इतने सारे फंक्शन हमें मिल जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ अपने घर के बाहर लगा रखा है, ये इसकी फुटेज है, देखिए कितनी क्लियर फुटेज है दोस्तों। और हमें इसमें एल्बम का फीचर मिल जाता है जिसमें हमारे सेव किए हुए फ़ोटोज़ और वीडियोस हमें इस जगह पे मिल जाएंगे। ये देखिए ये मैंने फ़ोटो सेव किया था जो कि इस जगह पे सेव्ड है एल्बम में, और इस बटन को दबाने से हमें जो भी पार्ट रिकॉर्ड करना है मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर सकते हैं उस पार्ट को, और जो कि हमें गैलरी में मिल जाएगा। ये देखिए गैलरी में हमें ये मिल जाएगा। और ये थीम है इसकी कुछ लाइट मोड और डार्क मोड जो कि हम स्विच कर सकते हैं। ये प्राइवेट मोड है, मतलब कि कैमरा हमें बंद करना है कुछ देर के लिए तो कर सकते हैं। ये है मोशन ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ भी मोशन होगा इस कैमरे का हेड उस तरफ मूव करेगा। ये देखिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, अब मैंने अपना हाथ उधर किया तो इस कैमरे का आई उधर हो गई है, अब इस साइड किया तो देखिए ये कैमरे का हेड इस तरफ मूव हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार फीचर है दोस्तों इस कैमरे का। और फिर आ जाता है इसमें मोशन डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी मोशन होगा तो ये अपने आप उसका पिक्चर खींच लेगा, इसका फ़ोटो खींच लेगा और गैलरी में सेव कर देगा और नोटिफिकेशन भी हमें भेजेगा। देखिए इसमें ये सब नोटिफिकेशंस आ गए हैं मोशन डिटेक्टेड के, जिसे हम देख सकते हैं अपनी गैलरी में। और ये अलग से नेविगेशन बटन हमें और मिल जाते हैं इसमें, जिससे हम राइट लेफ्ट कैमरा को मूव कर सकते हैं दोस्तों। और ये साउंड ऑन और ऑफ करने के लिए ऑप्शन, और ये HD और HD में क्वालिटी में स्विच करने के लिए, इससे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ये सब सेटिंग्स हमें मिल जाती हैं। चलिए स्टोरेज देखते हैं, 128 GB का टोटल कैपेसिटी है इसका, और इसमें बता रहा है कितना यूज़ हो गया है और कितना रिमेनिंग कैपेसिटी बचा हुआ है। तो दोस्तों ये है इसका ओवरऑल रिव्यू और सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना। दोस्तों हम ऐसे ही रिव्यू लाते रहते हैं आपके लिए, और बहुत ही शानदार कैमरा है तो। और प्राइस की बात करें तो ये 1500 से 2000 की रेंज में हमें मिल जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।